नमस्ते दोस्तों, गुड इवनिंग। बबीना यूट्यूबर चैनल पे स्वागत है सबका। आज का जो रेसिपी है मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ वो है चावल की मुड़की, मतलब चावल की चकली भी बोल सकते हैं इसको, कोई कोई सिपलू भी बोलते हैं। मार्केट में जैसा मिलता है उसी तरह से हम बनाएंगे और ये घर में बनाएंगे और अच्छी तरह से, मतलब वो अच्छा स्वाद वाला बनाएंगे। तो देखिए, ये सिपलू या आप बोल सकते हो चावल की मुड़की कैसे बनाते हैं और क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स ज़रूरत होता है। तो देखिए, ये मैंने अजवाइन, जीरा, काला जीरा, रासी एंड पतीला, ठीक है, और थोड़ा सा हींगू ली हूँ। तलने के लिए तो ऑयल ज़रूरी है। और इसको हम बनाएंगे चावल की चूना से, मतलब चावल की आटा बोल सकते हैं आप लोग। अरवा चावल होता है हर किसी के घर में, उसको क्या करेंगे आप, भिगो दे के, थोड़ा सूखा दे के हम ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे, उसको छन्नी में पूरा चला लेंगे तो वो पूरा आटा जैसा पूरा अच्छा स्मूथ आटा बन जाता है। तो उसको मैं बना के रखी थी पहले से ही और वो मैं एक बाउल में रखी हूँ, आपको जो पहले मैं दिखा रही थी उसको मैं यूज करूँगी इस चकली बनाने में। और खाली ये ओनली चावल का ही बनेगा, इसमें और कोई इंग्रेडिएंट्स हम मिक्स नहीं करेंगे। जैसे कोई कोई क्या करते हैं, चावल के साथ बेसन लगा देते हैं, कोई कोई चावल के साथ सूजी मिला देते हैं, वैसे मिक्स वाला भी सिपलू या मुड़की बनता है, मैंने देखा है बहुत सारे वीडियो में, लेकिन हम वो सब नहीं बनाएंगे। हम ओनली खाली चावल का आटा से ही हमारा ये जो सिपलू है बनाएंगे। ये बहुत ही मतलब क्रिस्पी है और स्पाइसी भी बनेगा और बहुत ही टेस्टी लाजवाब बना था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ये वीडियो आप लोगों को शेयर कर दूं, ताकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और घर में बच्चे तो होते हैं तो खाने के लिए मांगेंगे ही, और बच्चों का जो आदत होता है नमकीन खाने का, बहुत ही मतलब मेरी बच्ची का तो बहुत ही आदत है ये जो प्रियांशी का नमकीन खाने में, और वो बार बार जिद करती रहती है, और तो मार्केट खुला नहीं तो उसको हम चिप्स ये सब नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं अभी। तो इसीलिए मैं सोची चलो घर में बना के एक डिब्बे में स्टोर करके रख दूं, तो मेरी बेटी इसको खाएगी और जब भी मतलब इवनिंग स्नैक्स हो, बच्चों का मुंह जो होता है ना चलता रहता है हर मतलब 2 घंटे 4 घंटे 3 घंटे आधे घंटे में उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूरत होता है, तो इसीलिए मैं ये बनाना शुरू की। तो देखिए, हम एक बाउल में पानी ले लिए, उसमें पहले काला तिल जो व्हाइट तिल दे दी, काला जीरा दे दी, अजवाइन दे दिए और हींगू भी दे दिए, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। पानी को थोड़ा उबलने के लिए हम छोड़ देंगे। तो देखिए, अभी हींगू भी दे दिए। आप चाहे तो इसमें मतलब जो अगर काला जीरा ना हो तो आप जीरा भी यूज कर सकते हैं उसकी जगह। अभी देखिए, लाल मिर्च पाउडर भी दे दी हूँ 1-2 चम्मच। लाल मिर्च पाउडर देने से थोड़ा स्वाद अच्छा आएगा और थोड़ा तीखा बनेगा, स्पाइसी बनेगा, इसीलिए अगर घर में कम मिर्ची खाने वाले लोग होते हैं तो आप इसका मतलब मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, अभी थोड़ा भी मैं नमक दे दी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। अब क्या करेंगे, ये इसको पूरा अच्छी तरह गर्म होने देंगे, तो इसीलिए एक ढक्कन भी ढक के रख देंगे तो जल्दी से हमारा पानी उबल जाएगा। तो ये अच्छी तरह मिक्स करके मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा ढक्कन ढक दूँगी तो 1 मिनट छोड़ देंगे तो फटाफट हमारा पानी मतलब ठीक हो उबल जाएगा। तो उसके बाद हम वो जो चावल का आटा बना है उसको इसके अंदर ऊपर डालेंगे। तो ये देखिए, वो जो छाछ दिखा रही थी आप लोगों के घर में होगा, ये हर किसी के घर में होता है, जो सेब भुजियाँ ये सब बनाते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे छाछ आता है, तो वो पैटर्न वाला हम करेंगे। वो जो स्ट्राई वाला जो मैं दिखा रही थी आपको, उसी पैटर्न में हमको वो जो मुड़की बनाना है। उसमें क्या होता है कि स्टार वाला होने से बहुत ही सुंदर और अच्छा दिखता है, इसीलिए फ्रेंड्स। तो देखिए, ढक्कन एक ढंग कर दिए तो जल्दी से गर्म हो गया। उसके बाद पानी देखिए वो अच्छे से उबल रहा है। उसके बाद जब पानी उबलेगा उसमें क्या करेंगे, रिफाइंड ऑयल 2 चम्मच डाल देंगे, ताकि हमारा मतलब वो जो क्रंची बनेगा सिपलू जो बनाएंगे मुड़की, इसीलिए फ्रेंड्स। अभी क्या करेंगे, उसमें एक हाथ में हमको चावल का आटा देना है और एक हाथ में उसको मिक्स करना है, अच्छी तरह मिक्स करना है, नहीं तो उसमें बॉल बॉल जैसा वो रह जाता है गोल गोल होके, इसीलिए उसको अच्छी तरह हाथ हिलाना है। और अभी जब हम ये दे रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, गैस के जो फ्लेम है उसको पूरा लो से लो रख देंगे, पूरा लो फ्लेम में रख के इसको मिक्स करेंगे,
और पानी ये जो है माप मात्रा आपको अच्छी तरह से लेना है, जितना आप चावल ले हो उससे बस डेढ़ गुना पानी आपको लेना है। मतलब जिस पतीले में आप वो चावल का आटा ले रहे हो उसी पतीले से मतलब पानी डेढ़ गुना बढ़ा देना है, जितना आटा लिए हो उतना पानी देना है, और एक और हाफ आधा आपको ज़्यादा उसमें डालना है, क्योंकि मैं ये मेरा जो ली थी मैं 500 ग्राम का मेरा होगा राइस पाउडर, तो आप 500 ग्राम के हिसाब से अकॉर्डिंगली मैं वाटर ली थी आधा लीटर से थोड़ा ज़्यादा, इसीलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ। आप अगर 250 ग्राम का कर रहे हो तो पानी का मात्रा भी कमा देना है, ये सब आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए उसको थोड़ा सा 5 मिनट के लिए ढक दी, ढकने से वो अच्छे तरह से पक गया। उसके बाद ये मैं लेके आ गई हूँ और इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसको हमको क्या करना है, अच्छी तरह से इसको गूंथना है। आटा जैसे हम मिक्स करते हैं ना उसे 5 मिनट तक इसको पूरा अच्छी तरह स्मूथ जैसा बन जाएगा, हमारा डो पूरा स्मूथी हो जाएगा, उसी तरह से हमको हाथ में जैसा नहीं चिपकेगा इसी तरह से हमको इसको गूंथना है। और बीच बीच में क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल दे देंगे ताकि ये हाथ में कभी चिपकेगा नहीं और अच्छी तरह से बनेगा। देखिए मैं ये क्या कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा ऑयल दे रही हूँ ताकि ये अच्छा बन जाएगा, और वो जो छाछ होता है जिसमें हम बनाएंगे वो पैटर्न जैसा उसमें भी हमको ऑयल डाल देना है, और उसके बाद जाके इस उसके उसमें चारों तरफ ऑयल दे देना है। उसके बाद हमको उसमें वो जो डो बनाए हैं चावल का उसको पूरा गोल गोल साइज का करेंगे, सिलेंडर साइज का, गोल गोल सिलेंडर साइज का बना के हमको उसके अंदर डाल देना है। तो देखिए ये मैं कैसे कर रही हूँ, ऐसे ही आप लोगों को करना है। और मेरा तो जो छाछ है थोड़ा बड़ा है तो इसीलिए मैं उसमें और थोड़ा बड़ा वाला सिलेंडर छोटा सा बना के उसमें डालूंगी, क्योंकि एक ही बार में हमको दे देना है और उसके बाद उसका ढक्कन लगा के हमको उसको राउंड राउंड घुमाना है। मेरा वाला राउंड राउंड है। आप लोगों के पास अगर जो गन वाला होता है भी बहुत सारे वेराइटी का ये सब चीज़ मिलता है, मेरा वाला ऐसे ही घुमा दूंगी, टाइट करूंगी और उसके बाद उसको पूरा राउंड राउंड घुमाने से मेरा वाला वो जो सिपलू मतलब मुड़की बनता है ऊपर से एक पैटर्न बन के आ जाता है। तो देखिए ये मेरा फिक्स कर रही हूँ, पूरा अच्छे से टाइट कर दी। और एक बात फ्रेंड्स, इसको कोई पेपर में मत करना, पेपर में करने से क्या होता है हमारा जो डो होता है जो हमारा पैटर्न बन के आएगा जो मुड़की का वो पूरा चिपक जाता है, इसीलिए मैं क्या की हूँ ये जो एक पॉलीथीन लेना, पॉलीथीन को पूरा अच्छी तरह धो के साफ करके कट कर देना, सूखा के रखना है, उसके ऊपर हमको थोड़ा सा रिफाइन ऑयल दे देना है, उसके बाद हमको ऐसा वाला पैटर्न बना के गोल गोल आप जिसी टाइप का बना सकते हैं। छोटा साइज का भी सिप्लू मिलता है, बड़ा साइज का भी मिलता है, ये आपके स्वाद के मतलब अकॉर्डिंग आप बना सकते हो, आपको कितना वाला कंफर्टेबल लग रहा है। इसीलिए मैं देखिए इतना बड़ा बड़ा ही बना रही हूँ, इसको अगर और दो राउंड घुमाएंगे तो और भी बड़ा बन सकता है, और अगर इसको दो राउंड कम कर देंगे तो छोटा छोटा भी बन जाता है। मार्केट में छोटा छोटा वाला भी एक पैटर्न वाला मिलता है, बड़ा बड़ा साइज वाला भी मिलता है, तो इसीलिए ये आपके मूड के हिसाब में है, आपको जितना वाला अच्छा लगेगा देखने में वो आप उसी टाइप का बना लेना। मैं इसको ज़्यादा नहीं घुमा रही हूँ ताकि, क्योंकि ज़्यादा बना लूँगी तो टूट जाएगा सोचिए, और इसीलिए इतना ही मीडियम साइज का मैं बनाई हूँ। तो देखिए एक बार में मेरा कितना बना है, 7-8 बन जा रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 हाँ 7 बना है, और एक जो बना है वो कम हो गया था तो छोटा वाला बन गया लास्ट में जब ख़त्म हो गया था वो डो, तो उसी हिसाब से हमको सारे में इसी तरह से बनाना है फ्रेंड्स। तो देखिए मैं और एक बार भी देखे उसको पूरा अच्छी तरह से मिक्स कर दी और सारा सिप्लू मेरा बन के तैयार कर दी हूँ मुड़की। अभी क्या करूँगी, इसको एक थाली में लेके जाऊँगी और तेल गरम करके उसमें तलना है, और तलने का प्रोसेस भी इसका बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब किस तरह से आप इसको तलेंगे उसका मैं टिप्स बताती हूँ। पहले तो आपको ऑयल गरम करना है और ऑयल थोड़ा ज़्यादा लेना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करता है, आप जितना भी ऑयल लोगे उससे मतलब आधा से भी कम यूज होता है, सारा ऑयल बच ही जाता है। लेकिन आप अगर कढ़ाई में कम ऑयल डालेंगे तो ये चिपक जाएगा, अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डालना है। और ये देखिए जब गर्म हो जाएगा, पूरा हीट होगा तो आप उसको डालना है, उसके बाद फ्लेम को पूरा ही लो कर देना है। और मैं पहली बार बना रही हूँ मतलब कढ़ाई में, तो इसीलिए 3 दी हूँ, आप 4 भी दे सकते हैं, लेकिन ये पहला बार ला है तो 3 दी हूँ। उसके बाद मैं ज़्यादा दे के उसको तलूँगी, और इसको तलने में भी थोड़ा टाइम लगता है, 3 से 4 मिनट तक पूरा डीप ऑयल में हमको फ्राई करना है,
उसके बाद ही निकालना है, क्योंकि क्रंची नहीं बनेगा। पूरा लाल लाल कलर का इसका गोल्डन कलर का आ जाएगा, उसके बाद ही हमको निकालना पड़ेगा इसको। तो इसीलिए आराम से हमको इसको सिम करके ही तलते रहना है, 4 से 5 मिनट तक ही तलना है। एक बार करेंगे तो हमको 3 से 4 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लग जाता है, और आपको पता ही चल जाएगा जब ये मतलब हमारा चकली बन के आएगा। चकली ऊपर ऊपर उठ जाता है, जब नीचे नीचे डीप होके होता रहता है, जब वो क्रंची जैसा बन जाएगा ना, वो फ्रेंड्स ऊपर ऊपर उठ उठ के आ जाता है, और उसका कलर में भी चेंज आ जाता है। तो आपको पता ही चल जाएगा कि कैसे ये बनेगा। और इसको आपको चिपकना नहीं देना है, क्योंकि एक के ऊपर एक चिपक ही जाता है। तो ऑयल से ही आपको उनको मतलब अलग अलग करके तल देना है। तो देखिए अब थोड़ा थोड़ा ये ऊपर उठने उठने लगा है, और उससे बबल्स भी थोड़ा थोड़ा कम होने लगा है। तो फिर इसको हम उलट पुलट करेंगे, और इसका कलर चेंज होने तक हम थोड़ा देखेंगे इसको। इसको पूरा 4 से 5 मिनट तक ही हमको ऐसे ऑयल में तलना है, उसके बाद ही क्रंची बनता है। आप अगर तलने में अगर जल्दी कर देंगे या जल्दी निकाल देंगे तो ये पूरा अच्छा नहीं, कड़मड़ी नहीं बनेगा, मुड़की जो बनेगा तो मतलब वो अच्छा नहीं बनेगा, सिल्का सिल्का जैसा लगेगा, अलग तरह का लगेगा। इसीलिए इसको टाइम लेके हमको तलना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम तक। और आँच को भी बढ़ा नहीं देना है, लास्ट में थोड़ा बढ़ाना है। देखिए जब वो ऊपर ऊपर उठने लगेगा, मैंने गैस का फ्लेम बढ़ा दी हूँ थोड़ा सा, लेकिन स्टार्टिंग से तो बिल्कुल ही नहीं बढ़ाना है, उसको वैसे ही लो फ्लेम से ही हमको तलना है। अब देखिए इसके कलर में चेंज होने लगा है, गोल्डन से थोड़ा गोल्डन गोल्डन कलर होने लगा है। उसके बाद हम इसको निकालने के लिए ये करेंगे, और ज़्यादा भी रेड कलर का मत कर देना फ्रेंड्स। अगर ज़्यादा भी आप तल लोगे उसके तो मतलब उसका स्वाद अलग हो जाता है। ठीक इसी कलर का मैं जैसे निकाल रही हूँ ऐसे कलर का आ जाएगा, तो तब आपको निकाल के ही रख देना है इसको मतलब अलग से। और इससे अगर डीप फ्राई ज़्यादा कर देंगे ना तो उसका टेस्ट बहुत ही गंदा मतलब हो जाता है। इसीलिए देखिए मेरा सारा में तल दी, कैसा लग रहा है फ्रेंड्स? देखने में तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, और सही बताऊँ तो पूरा मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी था ये वाला जब मैं बनाई थी। और मेरी प्रियांशी जब खाई तो बोली पूरा ही स्वादिष्ट था। और मैंने फर्स्ट टाइम ही ये बनाया था आप लोगों के लिए मतलब ये करने के लिए। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना फ्रेंड्स।